IPL 2024 से पहले होगी IPL की नीलामी और उससे पहले 26 नवंबर तक सभी 10 टीमों को अपना अपना रिलीज और रिटेन प्लेयर लिस्ट बीच तय को सौंपनी होगी। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है प्लेयर रिटेंशन एंड IPL ऑक्शन में, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सभी 10 टीमों के सभी रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में जो अपनी अपनी टीम से बाहर होने वाले हैं IPL 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले, जहां सभी 10 टीमों से टोटल 50 बड़े खिलाड़ी रिलीज होंगे। इनमें से कई बड़े बड़े नामी गिरामी भी खिलाड़ी हैं, तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। तो बात करते हैं सबसे पहले पिछले साल के चैंपियन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। तो CSK की टीम इस बार अपनी टीम से बेन स्टोक्स को भी रिलीज करने वाली है। यह नाम काफी बड़ा है। पिछले साल इन्हें 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन इन्हें रिलीज करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वर्ल्ड कप 2023 के बाद नी सर्जरी करवाने वाले, जिसके चलते ये क्रिकेट से काफी लंबे समय तक दूर रहेंगे। तो वहीं पिछले साल इन्हें कुछ मैचों में खिलाया भी गया था और इंजरी की वजह से काफी मैचेस ये नहीं खेल पाए थे। तो CSK को पता है कि बेन स्टोक्स के साथ या फिर बेन स्टोक्स के बगैर CSK की टीम चैंपियन बन सकती है, और पिछले साल इनका परफॉर्मेंस भी काफी खराब रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे CSK के लिए। तो बेन स्टोक्स टीम से रिलीज होने वाले दूसरा नाम अंबाती रायडू का है, जो कि ये ऑलरेडी रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं तीसरा नाम काइल जेमिसन का है, जिन्हें पिछले साल 1 करोड़ में खरीद कर टीम में शामिल किया गया था, ये भी बाहर होंगे। तो वहीं चौथा नाम सिसांडा मगाला है, जो 50 लाख रुपए में टीम में आए थे, ये भी बाहर होने वाले। वहीं पांचवा नाम समरजीत सिंह और छठा नाम शेख रशीद का है। अब बात करें दूसरी टीम, तो वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम। इस बार दिल्ली की टीम अपनी टीम में काफी बड़े बड़े उलटफेर करेगी, टीम से बड़े बड़े खिलाड़ी को बाहर करेगी जिनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था पिछले साल। इस लिस्ट में पहला नाम पृथ्वी शाह का है। नो डाउट पृथ्वी शाह वन ऑफ द बेस्ट यंग ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से इनका परफॉर्मेंस IPL में खासतौर पर काफी ज्यादा खराब रहा है। तो पृथ्वी शाह टीम से रिलीज होने वाले दिल्ली कैपिटल्स से। तो दूसरा नाम मनीष पांडे का है, जो 2 करोड़ 40 लाख रुपए में आए थे, ये भी रिलीज होंगे। तीसरा नाम लुंगी निगेडी का है, चौथा नाम रायपल पटेल का और पांचवा नाम प्रियाम गर्ग का है। वहीं इस वीडियो में आगे बाकी की 8 टीमों के रिलीज प्लेलिस्ट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन देरी किस बात की है। अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं और अब बादशाह भाई को नहीं जानते हैं, तो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर इंडियाज नंबर 1 क्रिकेट टेपर बादशाह भाई। इस वर्ल्ड कप में अब तक जितने भी मैचेस हुए सभी मैच में इनके मैचेस बैक टू बैक पास गए, टॉस हो या फिर मैच। जो लोग इनके साथ पहले से ही जुड़े हैं वो काफी प्रॉफिट में। अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो आप भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि आगे IPL में भी। टॉस मैच सेशन की फिक्स रिपोर्ट चाहिए तो अभी कॉन्टेक्ट करो बादशाह भाई को इनके व्हाट्सएप नंबर पर। इनका व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, साथ ही साथ इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो बात करते हैं तीसरी टीम, तो वह डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस की टीम अपनी टीम से इस बार मिनी ऑक्शन से पहले इन सभी खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, जिसमें पहला नाम है यास दियाल का, दूसरा नाम दशम सनाका का है जो 2 करोड़ में टीम में आए थे एज ए रिप्लेसमेंट। तो वहीं तीसरा नाम ओडियन स्मिथ का है, चौथा नाम प्रदीप सागवान और पांचवा नाम उर्बिल पटेल का है। अब बात करें चौथी टीम, तो वह कोलकाता नाइट राइडर्स। अब पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था, वजह यह कि इनके बड़े बड़े खिलाड़ियों ने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया था। तो इस बार KKR की टीम लुकी फर्ग्यूसन को टीम से रिलीज करने वाली है, जो 10 करोड़ में आए थे KKR की टीम में। काफी खराब गेंदबाजी इन्होंने की थी, काफी महंगे साबित हुए थे। दूसरा नाम डेविड वीसा का है, एक ऑलराउंडर जो 1 करोड़ में KKR की टीम ने इन्हें खरीदा था। तीसरा नाम साकिबुल हसन का है, चौथा नाम उमेश यादव का है जो 2 करोड़ में KKR की टीम में शामिल थे। तो वहीं पांचवा नाम जॉनसन चार्लिस का है, छठा नाम मनदीप सिंह का है। अब बात करें पांचवी टीम, तो वह लखनऊ सुपर जेंट्स। अब लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम इस बार ऑक्शन से पहले अवेश खान को टीम से रिलीज करने वाली है, क्योंकि अवेश खान एक जबरदस्त गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितने महंगे में इन्हें खरीदा गया था ऑक्शन से, उस तरह की गेंदबाजी ये नहीं कर पाए थे। तो अवेश खान LSG से रिलीज होने वाले। दूसरा नाम डैनियल साम्स का है, तीसरा नाम जेडो उनाडकट का है और चौथा नाम रोमारियो सेफर्ट का है जो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। पांचवा नाम करुण नायर का है, छठा नाम सूर्यांश सेगड़े का है। अब बात की जाए रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस, जो IPL इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है, IPL इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक मानी जाती है। तो मुंबई इंडियंस की टीम इस बार खासतौर पर विदेशी खिलाड़ी को, ओवरसीज खिलाड़ी को टीम से रिलीज करने वाली है। तो 8 करोड़ में जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए थे, लेकिन ये अब रिलीज होने वाले। दूसरा नाम रैली मेरदीत का है, जो 1.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए थे, ये भी बाहर होने वाले। तीसरा नाम क्रिस जॉर्डन का है, 2 करोड़ में आए थे टीम में, ये भी रिलीज होंगे। चौथा नाम ड्वेन जॉनसन का है और पांचवा नाम अरशद खान का है। अब बात करें सातवीं टीम, तो वह पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स की टीम इस बार ऑक्शन से पहले अपनी टीम से इन खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली, जिसमें नाम हरप्रीत भाटिया का है, तो वहीं मैथ्यू शॉर्ट, जबकि बलतेज डांडा और गुलनूर सिंह ब्रार। वहीं आठवीं टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम है। अब राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार ऑक्शन से पहले अपनी टीम से कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली, जिसमें पहला नाम है जेसन होल्डर का जो 5.75 करोड़ रुपए में आए थे, लेकिन ये बाहर होने वाले। दूसरा नाम जो रूट का है, जिन्हें ऑक्शन से 1 करोड़ में खरीद कर टीम में शामिल किया गया था अपना मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गए थे, ये भी बाहर होंगे। तीसरा नाम केसी करप्पा और चौथा नाम मुर्गन अश्विन का है। अब चलिए बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। तो आरसीबी की टीम इस बार उन खिलाड़ियों को टीम से रिलीज करने वाली है जो काफी महंगे में टीम में शामिल हुए थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनका काफी खराब था, जिसमें पहला सबसे बड़ा नाम हर्षल पटेल का है जो 10 करोड़ में टीम में आए थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये बुरी तरह से फ्लॉप रहे और पिछले साल तो इन्हें काफी कम मौके भी दिए गए थे। तो हर्षल पटेल टीम से रिलीज होने वाले। दूसरा नाम है दिनेश कार्तिक का, तीसरा नाम अनुज रावत का है, चौथा नाम फिन आलन का है और पांचवा नाम केदार जाधव का है जो 1 करोड़ में आए थे एज अ रिप्लेसमेंट। तो वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो 10वीं टीम हैदराबाद की टीम है, जहां ये टीम इस बार हैरी ब्रूक को टीम से बाहर करने वाली है, जिन्हें एसआरएच ने 13.25 करोड़ रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया था, लेकिन सिर्फ एक ही मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था, उसके अलावा बुरी तरह से फ्लॉप गए थे। दूसरा नाम मयंक अग्रवाल का, ये भी 8.25 करोड़ रुपए में आए थे टीम में। तीसरा नाम आदिल रशीद का है जो 2 करोड़ में आए थे टीम में, ये भी बाहर होंगे। चौथा नाम अकील हुसैन का है, जिन्हें 1 करोड़ में खरीदा गया था ऑक्शन से, ये भी रिलीज होने वाले। तो ये सभी 10 टीमों के 50 बड़े खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीम से रिलीज हो सकते हैं। हालांकि अभी भी और भी कई सारे नाम हैं जिन पर फिलहाल डिस्कस चल रहा है, चर्चाएं हो रही है कि उन्हें रिलीज किया जाए या फिर रिटेन किया जाए या फिर ट्रेड किया जाए। आगे जो भी अपडेट्स आती है आईपीएल को लेकर, सबसे पहले इसी चैनल क्रिकेट सुपर फैंस पर उसकी अपडेट्स दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी काफी कुछ अपडेट्स दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।